स्वागत करती हूं आपका M4E न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अंशु शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जनपद मुजफ्फरनगर के झांसी की रानी पर शिवसेना द्वारा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का पुतला फूंका। शिवसेना के जिला प्रमुख बिट्टू सिखेड़ा ने कहा कि लगातार पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला देश के विरुद्ध नीति बनाने का कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाने का कार्य करेंगे। वो मांग करते हैं कि फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देश विरोधी बयान देने पर मुकदमा दर्ज कर जेल में डाल दिया जाए। ये जो पुतला फूंका है उस देशद्रोही का फूंका है जिसके परिवार ने 70 साल इस देश का अन्न खाया है, कश्मीर पर राज किया, जम्मू कश्मीर पर वहाँ की सुविधाओं को भोग किया है और जब उनका शासन, उनकी जो धोखाधड़ी थी वो समाप्त हो गई थी उन 70 के साथ, आज वो कहते हैं फारूक अब्दुल्ला के चीन के साथ मिलकर के कश्मीर प्राप्त कर लेंगे, 370 लगवा देंगे। ऐसे देशद्रोही का पुतला फूका है भारत का। मैं समझता हूँ कोई भी राष्ट्रप्रेमी इस प्रकार के बयान को बर्दाश्त नहीं करेगा। सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस राष्ट्रद्रोही के विरुद्ध की जाए। ये मांग लेकर के फारूक अब्दुल्ला का पुतला फूका गया है। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल M4E न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको सभी न्यूज समय से प्राप्त होती रहे। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं।